दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 26 जून 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितने भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी अपडेट्स को वन बाय वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, साल 2024 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी मैच टी20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर जो करंटली हमें वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिल रहा है और यह टूर्नामेंट करंटली काफी रोमांचक मोड पर आ चुका है, जहां पर टूर्नामेंट का सुपर 8 फॉर्मेट फाइनली खत्म हो चुका है और सेमीफाइनल फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी टॉप चार टीमें हमें फाइनली यहां पर देखने को मिल चुकी है। रोजाना हमें बड़े बड़े अपडेट्स अपसेट्स टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहे हैं, रोजाना बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनते हैं, रोजाना बड़े बड़े पॉइंट्स टेबल में उलटफेर होते हैं और ऐसे में आज की तारीख में भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर आप सभी क्रिकेट फैंस के लिए 4-5 बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए वन बाय वन सभी अपडेट्स के ऊपर हम नजर डालते हैं। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है अफगानिस्तान की टीम को लेकर, जी हां कल यहां पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक मैच खेला गया था, जहां पर वो जो मैच था सीरियसली बहुत ही जबरदस्त मैच था, तीनों टीमों के लिए चांसेस वहां पर बने हुए थे, लेकिन दोस्तों वहां पर अफगानिस्तान की टीम ने काफी रोमांचक अंदाज से बांग्लादेश की टीम को हराकर सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेश को एलिमिनेट किया, साथ ही साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 से एलिमिनेट कर दिया। यानी भाई पिछले 4-5 दिनों से टीम ऑस्ट्रेलिया को लगातार जा रहा है, पहले अफगानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद भी आपको पता है कि आपकी अफगानिस्तान की टीम ने ही बांग्लादेश टीम को हराकर ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से यहां पर हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को घर का रास्ता उन्होंने यहां पर दिखा दिया है। बांग्लादेश के टाइगर्स भी वापस अपने घर जाने वाले हैं, क्योंकि भाई अब की बार अफगानिस्तान की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया है। अफगानिस्तान की टीम ने पहली बार यहां पर किसी टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई किया। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि भाई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शुरुआत 2001 में हुई थी और भाई तब से लेकर अभी तक इन्होंने एक बार आईसीसी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश की टीम ने जो 1977 में जिनका क्रिकेट बोर्ड बना था वो अभी तक एक बार भी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। तो भाई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सीरियसली बहुत ही बड़ा दिन यहां पर था और भी आपको पता है कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का राज है, ऐसे में तालिबान के जो प्रेसिडेंट उन्होंने बीसीसीआई को थैंक्स का उन्होंने ऐसा बोला कि भाई बीसीसीआई ने हमारे क्रिकेट को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, हर मामले में मदद की है और उसी वजह से हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग बन पाई है, इस माइलस्टोन तक पहुंच पाई है। तो भाई सीरियसली अफगानिस्तान के लिए और साथ ही साथ बीसीसीआई के लिए एक बहुत ही बड़ी बात हमें यहां पर देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल्स के शेड्यूल को लेकर, जहां टॉप चार टीमें मिल चुकी है, जहां पर ग्रुप ए से आपकी इंडिया और अफगानिस्तान की टीम ने क्वालिफाई किया, वही ग्रुप बी से आपकी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई किया है। थोड़ा सा शेड्यूल के ऊपर हम नजर डाल लेते हैं। तो शेड्यूल आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे, जहां पर पहला सेमीफाइनल मैच हमें 27 जून को यानी कल भारतीय समय अनुसार सुबह 6 बजे से साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की के बीच तरिंदाद के स्टेडियम से लाइव देखने को मिलेगा। वही सेकंड सेमीफाइनल मैच हमें भारत और इंग्लैंड के बीच रात 8 बजे से गुयाना के स्टेडियम से लाइव देखने को मिलने वाला है। और भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर है, जो आपका फर्स्ट सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच होगा, जो भी टीम यहां पर जीतेगी वो टीम पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में क्वालिफाई करेगी। यानी भाई एक टीम की किस्मत यहां पर डेफिनेटली चमकेगी। अब कौन बाहर होगा, कौन जाएंगी फाइनल में, आपको क्या लगता है कौन बनेगा टी20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है भारतीय टीम के सेमीफाइनल मैच को लेकर, जहां पर भाई मैंने आपको बताया कि 27 जून का निकल भारतीय समय अनुसार रात के 8 बजे से इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेकंड सेमीफाइनल मैच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों शानदार मैच के आगाज से पहले मैच को लेकर एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है और खबर निकल कर आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। जी हां, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड मैच के लिए गुयाना
की लेटेस्ट वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स को यहाँ पर रिवील किया गया है, जो सीरियसली डिटेल्स है थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा हैरान करने वाली, इंग्लैंड फैंस को थोड़ा सा नाखुश यहाँ पर करने वाली है, क्योंकि भाई 85-90% रेन के चांसेस बताए जा रहे हैं। ऑन द मैच टाइम तो यहाँ पर 90% रेन के चांसेस, जिसके चलते बारिश यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही बड़ी बाधा बनकर दोनों ही टीमों के सामने आने वाली है। अगर यहाँ पर बारिश में यह मैच वॉश आउट होता है तो भी डेफिनेटली यहाँ पर भारतीय टीम को बेनिफिट होगा। टीम इंडिया यहाँ पर बिना मैच खेले वॉश आउट के जरिए डायरेक्ट फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी, इंग्लैंड यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन भाई बस यही है कि इंग्लैंड फैंस तो यही दुआ कर रहे हैं कि भाई बारिश यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी इंटरप्शन बनकर हम सबके सामने ना आए। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है अफगानिस्तान टीम के बहुत ही शानदार प्लेयर गुलाबदीन नाइब को लेकर, जो पहले इस टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। उन्होंने कल मैच के दौरान एक ऐसी हरकत की जिसके बाद उनको इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपकी अफगानिस्तान टीम के जो हेड कोच थे उन्होंने बाहर से इशारे किए थे कि भाई बारिश का मौसम है, थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, हो सकता है बारिश आ जाए, देखो इससे आप जीत जाए। और वह इस वक्त पर उन्होंने एक एक्टिंग ही बोल सकते हैं, एक्टिंग उन्होंने वहां पर की, वो स्लिप में लगे हुए थे, अचानक से गिर गए, हैमस्ट्रिंग का वो वहां पर बहाना शायद बना रहे थे क्योंकि भाई खड़े खड़े हैमस्ट्रिंग आ गई, भाई ये चीज हमने पहली बार सुनी। उसके बाद दो ओवर के बाद वो गेंदबाजी कराने के लिए भी आ गए, तो भाई सीरियसली ये बहुत ही अमेजिंग बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों इस खबर के बाद खुद इनके प्लेयर्स ने, इनके साथी प्लेयर्स ने, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने इस प्लेयर को, जी हाँ आपके गुलाबदीन नाइब को, इन्होंने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया। खैर दोस्तों उस पूरे सिनेरियो के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है भारतीय टीम की अगली सीरीज को लेकर, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भारत और जिम्बाब्वे आपस में एक बहुत ही बड़ी T20 सीरीज खेलेंगे। 5 मैचों की T20 सीरीज होने वाली है। उस T20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम ऑलरेडी अभी से काफी टाइम पहले ही BCCI और आपके जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड मिलकर रिवील कर दिया था। और भाई कल यहाँ पर परसों यहाँ पर इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी होता, जहाँ पर स्क्वाड्स टोटली चेंज हमें नजर आए, जहाँ पर भाई सभी सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दिया गया है, एक दो खिलाड़ी को इग्नोर किया गया, जो थोड़ा सा शॉकिंग था, ऐसा अनुमान था कि भाई श्रेयस अय्यर यहाँ पर हमें कम बैक करते नजर आएंगे, लेकिन भाई उनको यहाँ पर रेस्ट पर रखा गया है। यश दयाल को भी इग्नोर किया गया है और भाई थोड़े से यंगस्टर को शामिल यहाँ पर किया गया है, रियान प्रयाग हमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा भाई आपके यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल भी यहाँ पर है, संजू सैमसन भी स्क्वाड में मौजूद है, और भी आपके IPL स्टार अभिषेक शर्मा भी यहाँ पर है, और नीतीश कुमार रेड्डी को भी स्क्वाड में शामिल किया गया। तो भाई सीरियसली बहुत ही अमेजिंग स्क्वाड यहाँ पर इस T20 सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम के घोषित किए हैं। बिल्कुल नई युवा टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ हमें T20 सीरीज में खेलती हुई नजर आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है IPL 2025 को लेकर, जहाँ जैसे IPL 2024 की समाप्ति हुई थी उसके जस्ट बाद से ही BCCI IPL गवर्निंग काउंसिल, IPL में पार्टिसिपेट कर रही सभी टीमों के ओनर्स ने IPL के नेक्स्ट एडिशन के लिए अपनी तैयारियों की शुरुआत यहां पर कर दी थी। क्योंकि भाई जैसे ही IPL खत्म, IPL के बीच में ही BCCI ने बड़ी घोषणा की थी कि IPL 2025 से पहले हमें IPL के मेगा ऑक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। मेगा ऑक्शंस के रूल्स आप सभी को बताएंगे, भाई केवल 4, 5, 7, 8 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं, बाकी सभी खिलाड़ियों को रिलीज किया जाएगा, और बिल्कुल नए स्क्वाड के साथ नेक्स्ट 4-5 एडिशन के लिए टीमें यहां पर उतरती है। और भाई वो की बार होने के लिए जा रहा है, थोड़ा सा रिटेंशन प्रोसेस को लेकर समस्या यहाँ पर बनी है, BCCI ने ऐसा बोला है। करंटली जो फाइनल अपडेट है उसके मुताबिक तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि भी RTM कार्ड का कोई यूज यहाँ पर नहीं होगा, केवल 4 रिटेंशन कार्ड्स यहाँ पर टीम्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। और भाई अभी तक IPL 2025 के रिगार्डिंग BCCI की मीटिंग नहीं हुई है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के जस्ट बाद BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल IPL 2025 को लेकर एक मीटिंग को होस्ट करने वाली है। उस मीटिंग में हमें सभी फाइनल डिसीजंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम को लेकर, जी हाँ बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। 5 बार IPL का टाइटल उठा चुके चेन्नई सुपर किंग से, अब की बार लास्ट IPL एडिशन में थोड़ा सा फ्लोप साबित हुई थी, टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के जाने का शोक यहाँ पर सभी को था, दुख यहाँ पर सभी को था, और भाई सबको ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना लास्ट IPL मैच यहाँ पर खेल लिया है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी से जब उनके IPL रिटायरमेंट के बारे में सवाल पूछे गए तो माही ने वहां पर कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मुझे थोड़ा सा
सोचने का समय चाहिए। अभी मेरे पास 7-8 महीने बचे हैं, मैं इतना जल्दी कोई फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ। सीएसके टीम के सीईओ ने ऐसा कंफर्म किया है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में भी चेन्नई सुपर किंग के साथ डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब ये कन्फर्म नहीं कि भाई वो वहाँ पर एज प्लेयर मौजूद होंगे, एज मेंटर या फिर एज कोच मौजूद होंगे। कोई अपडेट यहाँ पर नहीं है। खैर दोस्तों, जैसे कोई भी अपडेट यहाँ पर निकल कर आएगा तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले यहीं पर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। जी हाँ, 7-8 साल के इंतजार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर से अपना कमबैक करने के लिए जा रही है। और भाई ट्रॉफी होने वाले उस देश में जिन्होंने लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स है। और भाई यही सबसे बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई क्यों यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास होस्टिंग राइट्स है। खैर दोस्तों, ये सभी बात की बातें, लेकिन भाई फिलहाल ऐसा ही अपडेट है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो चाहता है कि हर हालत में पूरा का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, भारत की टीम भी पाकिस्तान ट्रैवल करे। लेकिन भाई आपको पता है कि भाई थोड़े से नेशनल इश्यूज के चलते भारत की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन भाई उन्होंने तो ऐसा बोल रखा है भाई हम तो यहाँ पर आपको बुलाकर ही मानेंगे। हालांकि ऐसे अपडेट्स आए थे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हमें टीम इंडिया के सभी मैचेस देखने को मिलेंगे, लेकिन बाद में आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा अपडेट दिया कि भाई आपका इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच हमें लाहौर के स्टेडियम पर ही डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो भी समस्या यहाँ पर जरूर बने और भाई हाईली चांसेज है कि भाई टीम इंडिया यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से खुद को ऑप्शन आउट कर ले। तो दोस्तों, यहाँ दिन क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किसी मजित नहीं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।